नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। लगता है सीएम योगी की पुलिस गहरी नींद में सोई हुई है। बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। बदमाश दिन दहाड़े घटना को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस को सूचना मिलने पर भी काफी देर बाद मौके पर पहुंची है। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ, जहां नकाबपोश बदमाशों ने दोपहर में एक डॉक्टर के परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया और घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। देखिए हमारी यह पूरी रिपोर्ट। कौन सा तरीका, आप किसी घर में इस तरह घुसे चले आ रहे हो, अब घर से बाहर निकलो पहले। बोले ठीक है ठीक है ठीक है, पीछे होते गए पीछे होते गए। फिर छोटा वाला अंदर आया, फिर एक दो आ गए एकदम से। फिर मुझे डाउट हुआ, मेरी मम्मी को इशारा किया, मैंने इसको खींचा पहले छोटे वाले को, लगा कहीं उठा के नहीं ले जाए। फिर उन्होंने मुझे धक्का दिया गेट से, यहीं से, कि तुम निकाल के रही हो बाहर, अंदर चलो अंदर चलो। वहाँ से लैंडलाइन का फ़ोन खींचा, कर्टेन खींच दिया, कुंडी लगाई और फिर गन निकाली, बच्चों पे रख रहा। कि लोहा मंडी में ये मित्तल साहब के एक मकान है, जिसमें अभी दोपहर में कुछ लड़के घर में घुसे और घर में उन्होंने जो घर के फैमिली मेम्बर्स थे उनको गन पॉइंट पे लिया और यहाँ पर अलमीरा से और जो लेडीज़ जो जेवर वगैरह पहने थे उनसे वो ले लिया है। गए छः लड़के बताए जा रहे हैं, तीन पहले घुसे, तीन बाद में घुसे और बाद में उनके घर के जो मेंबर थे आशीष मित्तल जी वो भी आ गए और उनको भी कवर उन्होंने कर लिया। और जो हमारे पास प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है, नई उम्र के लड़के हैं, 20-22-23 साल से ज़्यादा उम्र नहीं बताई जा रही, जैसा कि हमको इनपुट्स मिले हैं। भारत में आए दिन लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, वजह है यातायात के नियमों का पालन ना करना। ऐसा ही एक ताजा मामला यूपी के बांदा से सामने आया है, जहां पर शुक्रवार को एक अज्ञात वाहन की बाइक से टक्कर हो गई और बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने युवक के परिजनों को सूचना दे दी है। लोग जा रहे थे, देख रहे थे, ढूंढते रहे हैं, तो गाड़ी दिख गई है एक होटल में, क्योंकि वहाँ से पता किया तो उनने बताया कि 100 नंबर में उनको ले गया, ले जाया गया तो अस्पताल में। वहाँ मालूम किया, उनने बताया, वहाँ से फिर जानकारी मिली कि उनकी उसी समय यानी कि शायद बड़ी गंभीर हालत में। क्या करते थे भैया आपके? वो टायर की दुकान, पंचर की दुकान है उनकी बौरहार में। अंजलि ढाबा है यहाँ, वहाँ पर हमें मालूम पड़ी गाड़ी खड़ी थी, हम ढूंढ रहे थे सब लोग यहाँ पर। उसमें जब आए तो फिर वहाँ अस्पताल में मालूम किया, तो अस्पताल में मालूम किया तो वो कह रहे कोतवाली जाओ, कोतवाली से मालूम करके वहाँ से फिर आए सिटी कोतवाली से। फिर वहाँ से बताया कि वहाँ बॉडी रखी है आपकी भाई की। सरकार के द्वारा चाहे कितने भी जतन किए जा रहे हों, चाहे भूमाफिया एंटी करप्शन जैसी टीम का भी गठन क्यों ना किया गया हो, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां कर रही है। ये मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का है, जहां पर योगी सरकार के सख्त आदेशों के बावजूद अवैध निर्माण और अवैध जगहों को कब्जाने का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। जी हाँ, इतना ही नहीं, यहाँ तो इंसानियत को भी शर्मिंदा कर दबंगों ने कब्रिस्तान को भी नहीं बख्शा है। कब्रों को तोड़कर उस पर भवन का निर्माण किया जा रहा है। यूपी के बागपत जनपद के मसूरी गांव में दबंगों की दबंगई की वारदात सामने आई है। आपसी विवाद में चार दबंगों ने एक युवक को शराब पिलाकर उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित जब खेकड़ा थाना पहुंचा तो पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी और ऐसो खेकड़ा ने उसका मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिजन घायल को लेकर एसपी बागपत के ऑफिस पहुंचे और कार्रवाई की गुहार लगाई। फिलहाल एसपी बागपत ने पीड़ित की तहरीर का संज्ञान में लेते हुए ऐसो खेकड़ा को मुकदमा कर जांच करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसे लेकर एसपी ने आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही है। एक व्यक्ति पेश हुआ था, उसको चोट लगी हुई थी और ये आरोप था कि उसे शराब पिला के उसके साथ मारपीट की गई है। इस प्रकरण की मैंने तुरंत जांच सौंप दी है एसओ खेकड़ा को
और वो मौके पर जाके इसकी जांच कर लेंगे घटना कैसे हुई और किन परिस्थितियों में हुई, और उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। यह व्यक्ति कभी थाने नहीं गया था और इसको चोटिल अवस्था में डायल 100 की गाड़ी CSC ले गई थी। CSC से इलाज कराने के बाद इसे थाने जाना चाहिए था, थाने नहीं गया और यहाँ आया था। यहाँ से हमने इसे कहा है कि तुम्हारा प्रार्थना पत्र थाने भेजा जा रहा है, इसकी कार्रवाई हो जाएगी। मुझे परिजनों को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब ये प्रकरण उनने उस पर आरोप लगाया, उसकी जाँच की जा रही है, क्या सही क्या गलत है उसमें पूरी कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद की पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। जब मुखबिर से मिली सूचना पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे लुटेरों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने इन बदमाशों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और घेराबंदी कर 8 लुटेरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल करी। पुलिस की पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किए गए बदमाशों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वह एक बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। आपको बता दें कि इससे पहले भी यह लोग NCR में कई लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से 3 गाड़ियां, 7,000 रुपए, 3 तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। देखिए, थाना लिंक रोड पुलिस द्वारा एक बहुत ही अच्छी सफलता मिली है। 8 लोगों का एक गैंग पकड़ा गया है जिसने बहुत अच्छा इनका आपराधिक इतिहास है, काफ़ी लूट की घटनाएं लोग कर चुके हैं। ये गैंग अभी कुछ दिनों पहले 20 तारीख को इन्होंने नोएडा से एक गाड़ी लूटी थी, होंडा सिटी गाड़ी। दिल्ली से इन्होंने फिर एक मयूरविहार थाने से एक जाइलो गाड़ी लूटी थी। एक डकैती ये मेडिकल स्टोर में दिल्ली में डाल चुके थे जिसमें 75,000 रुपये, 2 आईफोन वगैरह, तो एक पिस्टल के बल पर इन्होंने लूटा था। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्टिव हो गए थे, पिछले हफ्ते 10 दिनों में ही इन्होंने 4-5 गंभीर अपराध कर दिए थे और गैंगस्टर जैसे संगीन अपराध में इनके कुछ साथी वांटेड थे। तो इन लोगों से पूछताछ करने पर यह पता चला है कि ये लोग तेज़ गाड़ियाँ इकट्ठा करना चाह रहे थे लूट के, और फिर उन लोगों के नंबर प्लेट चेंज कर दिया करते थे। और कोई स्पेसिफिक सूचना इनके पास थी कि कुछ बहुत ही हाई वैल्यू कैश का ट्रांजेक्शन होने वाला है, हवाला का पैसा, जैसे इनको सूचना थी कि होगा किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपये का पैसा होगा, तो इसका प्लान करने के लिए इनके हैंडलर ने इनको ये सूचना दी थी कि काफ़ी तेज़ गाड़ियाँ अगर आपके पास हों तो घटना को आप आसानी से कर चुके हो। इनमें से एक व्यक्ति है जो पूर्व में इसी टाइप की कैश ले जाती हुई गाड़ी की लूट में की जानकारी एक व्यक्ति रख चुका है, तो उसका कुछ इन्फॉर्मर्स के साथ संबंध था, तो वहाँ से इनका ये प्लान था कि अब ये नेक्स्ट पैसा इकट्ठा होने के बाद और गाड़ियाँ इकट्ठे होने के बाद उस घटना को अंजाम देते। लिंक रोड थाने पर भी एक व्यक्ति को बंधक बनाकर उनके साथ ATM जबरदस्ती उनसे पूछ कर उनको 40,000 रुपए निकाल लिए थे। ये लूट की घटना लिखी गई थी लिंक रोड थाने पर, ये भी इन व्यक्तियों ने एक्सेप्ट करी है। कांग्रेस पार्टी को 133 साल पूरे होने पर आगरा में कांग्रेस कमेटी ने स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया। इस स्थापना दिवस के दौरान शहर कांग्रेस कमेटी ने संघर्ष के साथी रहे कार्यकर्ताओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और साथ ही कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि आने वाले दिनों में यूपी के साथ ही पूरे देश में कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। 133वां स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस दूर से शहर कांग्रेस कमेटी मना रही है। जब हिंदुस्तान की जनता का उत्पीड़न किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तब 133 साल पहले 28 दिसंबर सन 1885 में हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, हमारे बुजुर्गों ने उत्पीड़न रोकने के लिए इस कांग्रेस की स्थापना की थी। मैं समझता हूँ जिस प्रकार गुजरात में राहुल जी ने अभिमन्यु की तरह सारे चक्रव्यूह को तोड़कर विजय श्री प्राप्त करने के निकट पहुँच गए थे, आने वाले समय में कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के अंदर भी इनके चक्रव्यूह को तोड़ेगा और कांग्रेस का यह पताका फहराएगा। जैसे जैसे दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है, सर्दी भी तेजी से पैर पसार रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन अब तक नींद से नहीं जागा है। हाड़ कपा देने वाली ठंड में अब तक शासन की ओर से बच्चों के स्वेटर वितरण को लेकर अब तक कोई आदेश नहीं आया है और न ही प्राइमरी स्कूलों में अभी तक छात्र छात्राओं के लिए गर्म कपड़े और स्वेटर आवंटित हो पाए हैं। सरकार की घोर लापरवाही के चलते जिला बुलंदशहर की सिकंदराबाद की SDM साहिबा सुभि कनक ने खुद ही स्वेटर वितरण का बीड़ा उठाते हुए सरकार को आईना दिखाया है। क्या नाम है सर आपका?
असेंबली के प्रधान हैं आप, आज स्कूल में किस चीज़ का वितरण किया गया? स्कूल में किस चीज़ का वितरण किया गया आज? किसकी तरफ से, किसके सौजन्य से, किसके सौजन्य से, किसने कराया? फर्नीचर दिया, जर्सी दिया, आराम दिया। आज हम लोगों ने यहाँ पर करीब 6 गांव के लिए हमने 750 जो यूनिफॉर्म के स्वेटर हैं उन स्वेटरों का वितरण के लिए रखा है, जिसमें कि गांव शामली में अभी हम लोग यहाँ पर हैं। इसमें हमें मार्गदर्शन आदरणीय SDM महोदय हैं, हमारे यूनिट इंचार्ज हैं श्री राजीव जैन सर, इनसे हमें प्रेरणा मिलती है। और SDM महोदय का इंटरेस्ट बहुत है कि एजुकेशन में इसको काफ़ी आगे बढ़ाया जाए, तो उसमें सहयोग करके हम लोग मानते हैं कि हमारी समाज सेवा के रूप में जो देश के भविष्य जो है बच्चे के उनके काम में आए। क्या मिला स्कूल से? स्वेटर मिली है, स्वेटर। ओके, क्या नाम है तुम्हारा? ठीक है, जाओ। मिला है आज स्कूल से स्वेटर, मिला है, अच्छा लग रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जनता की होगी जो भी समस्या, सुनी जाएगी हर बात, अतिथि निकालेंगे समाधान, क्योंकि खुला है आपके लिए जनता दरबार सिर्फ Live24 पर। आए दिन होते बदलाव, राजनीति में बढ़ती तकरार, नेता हो या राजनेता सबका होगा पर्दाफाश। अब नहीं चलेगी सियासी महकमे की कानाफूसी, अब यूपी की सियासत पर होगी तेज नजर Live24 की।